एक बिचारी जो है ना, मामा इसने उड़ के मेरे ऊपर चढ़ जाने, वो भाग रही है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट आई डिड ऑन संडे, बिकॉज इट वाज एक्चुअली इट इज़ अभी भी है मतलब शाम हो गई, एनी वेज अब एडिटिंग का टाइम है। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह मैंने बनाई चाय, क्योंकि मामा जी ने सुबह सुबह निकाल ली थी मुर्गियाँ। नहीं मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, नहीं भाई ये चीटिंग होती है, मैंने आपको स्टार्ट से बताना है ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। ओके जी, सुबह क्या हुआ कि हम उठे ज़रा लेट, ठीक है। एक चीज़ का मुझे इंतहाई अफसोस है कि हम दोनों की नमाज़ जो है वो मिस हो गई, पता नहीं कैसे होगी, पता नहीं हमें लाइक हम उठे ही नहीं हैं, हमारी नींद ही नहीं खुली, क्योंकि हमारे अलार्म्स भी होते हैं तो अलार्म्स भी बजते रहे हैं तो हम सोए नहीं हैं। सुबह हमारी मेड जो है वो दरवाज़ा खटखटाती रही है ज़ोर और शोर से लाइक बहुत ज़्यादा खटखटाती रही है। उसके बाद उसने हमारा जो बैक डोर है वो उसने खटखटाया, उसके बाद जो है हमने डोर ओपन किया है। मतलब इतनी बेहोशी में हम सो रहे थे, मुझे लगता है हमारे खाने में रात को कुछ था। एनीवेज तो जी यहाँ पर मामा ने सुबह सुबह निकाली है मुर्गियाँ और मामा का मूड मुझे इग्नोर कर रही है। एनीवेज तो मामा ने मुझे कहा कि तुम बना कर लाओ चाय और चाय बिस्किट का नाश्ता करते हैं। तो व्यूअर्स सबसे अच्छी बात ये है कि आप मुझे अब फॉलो कर सकेंगे फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। जी व्यूअर्स अभी क्या हुआ है कि अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ थी, ठीक है, और अभी मेरा किचन की तरफ चक्कर लगाया और लिटरली जो मैंने किचन में देखा है ना, लाइक आई वॉज शॉक्ड, मतलब हद होती है यार। मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या हो रहा है। किचन में जी ये सेवैयाँ उबल रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये ढेरों ढेर मक्खन डाला जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर ये शक्कर डाली जाएगी, ठीक है। अब आप लोग खुद देख लें, मामा का ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई और मजाल है जो परहेज करना है, नहीं मतलब आप फिर देख लें आप लोग। ये देखें यहाँ पे ये मोटी सेवैयाँ उबल रही हैं और अभी इसके अंदर ये ढेरों ढेर मक्खन डाला जाएगा, मैं क्या करूँ इनका। फिर ये वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाते हैं कि मैं बड़ी मासूम हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ जुल्म करते हैं, मुझे खाने नहीं देते कुछ। तो मैंने अभी आप ही को चुगलियाँ लगाई हैं कि मामा किस तरह से ढेरों ढेर जो है ना खाने लगी हुई है घी, और मामा मज़े से लगी हुई हैं खाने, बात ही नहीं सुन रही हमारी, अभी उल्टा कह रही हूँ पर चीनी डालो और मक्खन डालो, चीनी डालो। देख लें व्यूअर्स आप ही कुछ समझा दे, मारी मामा तुम्हारे काबू गिर ही रही हैं। बात सुने ना, प्रेस कर करके सुख सुख के मरने से बेहतर है बंदा खा पी के मर। हाँ खा पी के जल्दी मर जाए, है ना, जिंदगी तो वो बेटियों का कोई नहीं है आपको टेंशन। देखें जरा व्यूअर्स जो जहान का घी डाला हुआ है, देखो इसने इंस्पेक्टर को फोन किया हुआ है, डॉन भाई को, डॉन भाई को मैंने कॉल किया कि डॉन भाई मामा हाथों निकल गई जे, मामा सुनती नहीं है हमारी, ढेरों ढेर डाल डाल बूढ़ी हो जाऊंगी, चार पाई पे लेट जाऊंगी, फिर आप लोग कहेंगे ये तो मरती ही नहीं है, इससे बेहतर है कि आप रोते रहे और मैं मर जाऊंगा। अस्तगफार मामा, कोई तो खुदा का खौफ करें, किस तरह की बातें करती हैं आप, आपकी हम केयर कर उल्टा मेरे साथ लड़ रही है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी खाऊं। ये देखें जो जहान का घी भरा हुआ है, ये देखें, ये देखें जी व्यूअर्स, अब ये जी फैसला हमने ये किया है कि हम ये बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि ना मैंने खाना है और मामा ने तो बिल्कुल ही नहीं खाना ना, मामा को तो मार ही दो ना। ठीक है ठीक है मामा, कम अज कम घी तो नहीं ना खाएंगी। इसको पकड़ो, ये जी मामा ने अब सोमा को बुलाया है ताकि इनको हम सारी डाल के दे दे, बच्चों बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है घी खाने की, मामा को टेंशन। मामा प्रॉमिस भी करे ना आइंदा आपने ये नहीं बनानी। मैं लेके नहीं आऊंगी, मैंने आज के बाद खाना ही नहीं बनाना। नहीं ये जुल्म ना करे, खुद बनाओगी, मैं बैठूंगी चारपाई पे बेड पे, ठीक है, फिर मुझे तीन बजे मैं आऊंगी ना जॉब से, तीन बजे बना के दूंगी आपको। पहले लेट खाती हूँ। नहीं सुबह आप नाश्ते में क्या खाते मुझे ये बताएं। एक ब्रेड का पीस तो डॉन भाई बनाएगा, डॉन भाई आ तो ले पहले पाकिस्तान में, खान पुत्र ये जी सोमा अब लेके जा रही है, मेरा फोक तो निकाल ले, चले जी बाय बाय सोमा। चलो जी ये काम भी संपन्न हुआ। तो जी व्यूअर्स आज हमारे भाई अकरम ने बनाई है जी देख, और उन्होंने बनवाया है जी मुतंजन, आपको
सन किस्ट मतंजन दिखाती हूँ। ये है जी मतंजन के नज़ारे ने रबी अव्वल की है जी ये, देख वेरी नाइस। आज मामा यहाँ पर बना रही हैं जी मसूर की दाल और मूंग की दाल मिक्स कर रही है, और अब मामा लगा लेगी थी तड़का। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं कि मामा तड़के में क्या क्या डालती है जो इतनी ज्यादा खुशबूदार चीज बन जाती है। ये है जी कड़ी पत्ता है, मामा ने खुद लगाया हुआ, ये फ्रेश तोड़ कर लाई है। ये जी है जी लहसुन, और ये है जी रेड चिली, और यहाँ पे कुछ कर रही है मामा मेथी सूखी, सूखी मेथी और अजवाइन, इन सब चीजों का लगेगा जी तड़का। अभी और भी चीजें हैं जी इसमें मामा इस्तेमाल करने वाली है देसी घी। ये जी मामा ने फ्राइंग पैन में डाल दिया है देसी घी। देसी घी बहुत ज्यादा है, प्लीज फॉर गॉड से कि ऊपर वाली ये जो मोटा सा है ना ये उठा ले प्लीज प्लीज। ये दाल कैसी मजेगी यार, वो मजे की तो बनेगी लेकिन इतना घी आपके लिए अच्छा नहीं है मामा। कितनी आप तेज हैं उसको मेल्ट करके उठा रही है मामा, सारा उठा ले प्लीज उठा ले, कोई बात नहीं प्लीज मामा। ये देखे मेरी मामा इतनी जिद्दी और बिल्कुल भी सेहत का ख्याल नहीं करती। इतना डाल दिए हैं गार्लिक थोम दिया तुरियां दीस आर गार्लिक कर्नल्स नहीं कर्नल्स नहीं कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे आई डोंट नो। तो जी अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है तड़का। ये काइंड ऑफ स्पेशल तड़का है, सीक्रेट तड़का ऑफ नाजली जो कि अब सीक्रेट नहीं रहने वाला। ये जी बिल्कुल डार्क ब्राउन जब हो जाएंगी ना ये लहसुन के जवे, फिर इसके अंदर कुछ डालेंगे। ये तड़का तो बनाना मेरे लिए लाइक की वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चले डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ऊपर से जीरा डाला जा रहा है जी। अब ये तड़का बन गया, मैं बहुत दूर खड़े होकर और जूम करके बना रही हूँ मामा मेरे ऊपर डाला गिराना। और जी ये तड़का गया इसके अंदर, मैं जरा दूर हो जाऊँ। मामा फटाफट ऊपर दे ना दूसरा। ये जी तड़का लग गया है, अब दिखाते हैं आपको। अब इसके ऊपर डाल अजवाइन और मेथी, अजवाइन और मेथी का छिड़काव। ओह माय गॉड, ये देखें जी दाल हो गई है तैयार, अब खाएं मजे ले लेके। यस हम मामा रोटियां बना ले बस अब। और जी व्यूअर जी ये देखें माशाल्लाह हमने जो कमाद लगवाया मतलब जो गन्ना होता है वो भी काफ़ी उगना स्टार्ट हो गया, और दूसरी तरफ जो है वो पालक उगवाई है और पालक माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। ये जी व्यूवर्स नई आ गई हैं जी मुर्गियाँ, और मुर्गियाँ आपको पता हमें कितने की मिलती हैं, मिली हैं 4,500 की। ये चार मुर्गियाँ हमें मिली हैं, वो कर लो हिसाब आप कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मामा वो देखो परिंदे भी साथ आ गए हैं, ये देखें ये जी बड़ी बड़ी मुर्गियां आई हैं। और हुआ क्या है कि जब बड़ी मुर्गियों को हमने उसके घर के अंदर डाला है तो क्या हुआ कि जो छोटी मुर्गियां थी ऑलरेडी जो पहले हमने ली थी वो इनके साथ लड़ने लगी। मामा कहती है देखो घर का मालिक तो मालिक होता है ना, अब उनको ये टेंशन थी कि ये मुर्गियां कहां से आ गई हैं। और सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे ये वाइट वाली मुर्गी लग रही है। एनीवेज ये देखे जी व्यूवर्स हमारी मुर्गियों ने, गंदी मुर्गियों ने आते सार क्या किया है जी हमारा घर गंदा कर दिया। अब नाजली जो है ना इसको बाहर निकाल रहे मनहूसों को, सारा हमारा घर गंदा कर। मामा मैंने इसे शर्ट पे रखने दी थी कि ये घर के अंदर वॉशरूम नहीं करेंगी गंदगी मचाएंगी, फिर देख ले मामा अब क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वाइट वाली। व्हाइट वाली मामा कैसे दुल्हनों की तरह डर डर के आगे जा रही है। एक जो है ना ये एक बेचारी जो है ना मामा इसने उड़ के मेरे ऊपर चढ़ जाने वो भाग रही है। तो ओ जा रही बाय बाय।